पर बात करेंगे बुरन चार्ज इस्लामाबाद सलमान अली अवान हमारे साथ मौजूद है। सलमान, ये फ्रेंडली फायरिंग के हवाले से बताइएगा। भारतीय जरीदे के मुताबिक भारतीय फजाइया ने अपना ही हेलीकॉप्टर मार गिराया है। 27 फरवरी को तबाह होने वाला MI-17 फ्रेंडली फायरिंग का निशाना बना है। भारत का एक और झूठ बेनकाब हुआ है। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं भारत की जानिब से, लेकिन उन भारतीय दावों का पोल खुल गया है। भारतीय जरीदे के मुताबिक भारतीय फजाइया ने अपना ही हेलीकॉप्टर मार गिराया। 27 फरवरी को तबाह होने वाला MI-17 फ्रेंडली फायरिंग का निशाना बना। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर बारह इल्जाम आयद किए जाते रहे हैं कि पाकिस्तान की जानिब से अम को तरजीह नहीं दी जाती, लेकिन भारतीय जरीदे के मुताबिक भारतीय फजाइया ने अपना ही हेलीकॉप्टर मार गिराया। इसी पर बात करेंगे एहतशाम उल हक साहब हमारे साथ मौजूद है। एहतशाम साहब, भारतीय जरीदे ने ही भारतीय फजाइया का पोल खोल दिया है। जी, अब अच्छी बात ये हो रही है कि इंडिया में मीडिया को भी बाहर से वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से और अपने मुल्क की तरफ से भी जब बहुत ज्यादा अपोजिशन का सामना करना पड़ा कि किस कदर झूठ बोला उन्होंने मोदी सरकार के लिए, सो कॉल्ड नेशनलिज्म के चक्कर में उन्होंने जिसको कहते हैं कि एडिटोरियली भी अदरवाइज भी जिस तरीके से मीडिया में खासतौर पर ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टेलीविजन मीडिया जो है ना उसमें आके इतना झूठ बोला, अब आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सपोज होना शुरू हो गया, उनके अंदर से आवाजें आना शुरू हो गया और ये खबर आप देख के बता रहे हैं आप, और उस लिहाज से तो ये आई ओपनर है। इससे पहले आपने देखा बड़ा उन्होंने क्लेम किया कि स्पेस टेक्नोलॉजी में हमने ऊपर अपना एक जाके अब टारगेट करके मिजाइल देखा, तो ये जो के कहा जा रहा है हमारी हुकूमत भी कह रही है कि इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है इस तरह करना। अब ये कह के इलेक्शन होने वाला है और इस तरह के जो तमाचे मोदी सरकार के मुंह पे पड़ रहे हैं कि जी ना तो उनके हेलीकॉप्टर काम कर रहे हैं और ना उनके 1100 जंगी जहाज उनके पास है, तो आज भी वो कह रहे हैं कि जी राफेल जहाज हमें जब तक नहीं मिले मिलते फ्रांस से तो हम शायद पाकिस्तान का मुकाबला ना कर सके। तो इंटरनली इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म हो गया है उनके खिलाफ के और दूसरा वो सारे लोग कहना शुरू हो गए हैं कि जी ऐसा सारा इंडिया का जो डिफेंसिव सिस्टम है वो सारा का सारा ऑब्सोलीट हो रहा है, उनके जहाज भी, उनके टैंक भी, उनके शहरी जहाज वगैरह भी, तो कहते हैं कि नया इस पर पैसा लगाया जाए। 50 बिलियन डॉलर का उनका डिफेंस का बजट है, हमारा आज भी 8-8.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा नहीं है, तो इतना भी करने के